स्वागत है आप सभी का चाणक्य नीति के 8वें अध्याय में। जिन्होंने चाणक्य नीति के पिछले अध्याय को नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो वहाँ पर जाकर जरूर देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे चाणक्य नीति के 8वें अध्याय में कि इंसान को अपने जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। नीच वर्ग के लोग दौलत चाहते हैं, मध्यम वर्ग के लोग दौलत और इज्जत, लेकिन उच्च वर्ग के लोग सम्मान चाहते हैं, क्योंकि सम्मान ही उच्च लोगों की असली दौलत है। ऊख, जल, दूध, पान, फल और औषधि, इन वस्तुओं के भोजन करने पर भी स्नान दान आदि क्रिया कर सकते हैं। दीपक अंधेरे का भक्षण करता है, इसलिए काला धुआं बनाता है। इसी प्रकार हम जिस प्रकार का अन्न खाते हैं, माने सात्विक, राजसिक, तामसिक, उसी प्रकार के विचार उत्पन्न करते हैं। हे विद्वान पुरुष, अपनी संपत्ति केवल पात्र को ही दें और दूसरों को कभी न दें। जो जल बादल को समुद्र देता है, वह बड़ा मीठा होता है। बादल वर्षा करके वह जल पृथ्वी के सभी चल अचल जीवों को देता है और फिर उसे समुद्र को लौटा देता है। विद्वान लोग जो तत्व को जानने वाले हैं, उन्होंने कहा है कि मांस खाने वाले चांडालों से 1000 गुना ज़्यादा नीच हैं। इसलिए ऐसे आदमी से नीच कोई नहीं। शरीर पर मालिश करने के बाद, शमशान में चिता का धुआं शरीर पर लगने के बाद, संभोग करने के बाद, दाढ़ी बनाने के बाद, जब तक आदमी नहा न ले, वह चांडाल रहता है। जल अपच की दवा है, जल चैतन्य निर्माण करता है, यदि उसे भोजन पच जाने के बाद पीते हैं। पानी को भोजन के बाद तुरंत पीना विष पीने के समान है। यदि ज्ञान को उपयोग में न लाया जाए तो वह खो जाता है। आदमी यदि अज्ञानी है तो वह खो जाता है। सेनापति के बिना सेना खो जाती है, पति के बिना पत्नी खो जाती है। वह आदमी अभागा है जो अपने बुढ़ापे में अपनी पत्नी की मृत्यु देखता है। वह भी अभागा है जो अपनी संपदा संबंधियों को सौंप देता है। वह भी अभागा है जो खाने के लिए दूसरों पर निर्भर है। यह बातें बेकार हैं। वेद मंत्रों को उच्चारण करना लेकिन निहित यज्ञ करने को न करना, यज्ञ करना लेकिन बाद में लोगों को दान देकर तृप्त न करना। पूर्णता तो भक्ति से ही आती है, भक्ति ही सभी सफलताओं का मूल है। देवता न काठ में, पत्थर में और न मिट्टी में ही रहते हैं, वे तो रहते हैं भाव में। इससे निष्कर्ष निकलता है कि भाव ही सबका कारण है। काठ, पाषाण तथा धातु की भी श्रद्धापूर्वक सेवा करने से और भगवत कृपा से सिद्धि प्राप्त हो जाती है। एक संयमित मन के समान कोई तप नहीं, संतोष के समान कोई सुख नहीं, लोभ के समान कोई रोग नहीं, दया के समान कोई गुण नहीं। क्रोध साक्षात यम है, तृष्णा नरक की ओर ले जाने वाली वैतरणी है, ज्ञान कामधेनु है, संतोष ही तो नंदनवन है। नीति की उत्मत्ता ही व्यक्ति के सौंदर्य का गहना है। उत्तम आचरण से ही व्यक्ति उत्तरोत्तर ऊँचे लोक में जाता है। सफलता ही विद्या का भूषण है, उचित विनियोग ही संपत्ति का गहना है। नीति भ्रष्ट होने से सुंदरता का नाश होता है, हीन आचरण से अच्छे कुल का नाश होता है, पूर्णता न आने से विद्या का नाश होता है, उचित विनियोग के बिना धन का नाश होता है। जो जल धरती में समा गया वो शुद्ध है, परिवार को समर्पित पत्नी शुद्ध है, लोगों का कल्याण करने वाला राजा शुद्ध है, वह ब्राह्मण शुद्ध है जो सदा संतुष्ट है। असंतुष्ट ब्राह्मण, संतुष्ट राजा, लज्जा रखने वाली वैश्या, कठोर आचरण करने वाली गृहिणी, ये सभी लोग विनाश को प्राप्त होते हैं। क्या करना ऊंचे कुल का यदि बुद्धिमत्ता ना हो? एक निच कुल में उत्पन्न होने वाले विद्वान व्यक्ति का सम्मान देवता भी करते हैं। विद्वान व्यक्ति लोगों से सम्मान पाता है, विद्वान उसकी विद्यता के लिए हर जगह सम्मान पाता है। यह बिल्कुल सच है कि विद्या हर जगह सम्मानित है। जो लोग दिखने में सुंदर हैं, जवान हैं, ऊंचे कुल में पैदा हुए हैं, वो बेकार हैं यदि उनके पास विद्या नहीं है। वो तो पलाश के फूल के समान है, जो दिखते तो अच्छे हैं पर महकते नहीं। यह धरती उन लोगों के भार से दबी जा रही है जो मांस खाते हैं, दारू पीते हैं, बेवकूफ़ हैं। वे सब तो आदमी होते हुए भी पशु ही हैं। उस यज्ञ के समान कोई शत्रु नहीं जिसके उपरांत लोगों को बड़े पैमाने पर भोजन न कराया जाए। ऐसा यज्ञ राज्य को खत्म कर देता है। यदि पुरोहित यज्ञ में ठीक से उच्चारण न करे तो यज्ञ उसे खत्म कर देता है, और यदि यजमान लोगों को दान एवं भेंट वस्तु न दे तो वह भी यज्ञ द्वारा खत्म हो जाता है।